दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत के केस की जांच अभी भी सीबीआई कर रही है। हालांकि फैंस में काफी निराशा और नाराजगी है कि अभी तक सुशांत के दोषी आजाद क्यों घूम रहे हैं, मगर बताया जा रहा है कि सीबीआई इस पर कोई गलती नहीं करना चाहती, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, इसीलिए बहुत गहराई से और गहनता से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जाँच में लगी हुई है, लेकिन किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई देर सवेरे से ही सुशांत का इंसाफ जरूर करेगी। इसी बीच केरल के सीएम की तरफ से सुशांत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों, जिसे जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल केरल के सीएम ने कहा है कि उन्हें हाल ही में सुशांत के बारे में ऐसी बात पता चली है जिससे वो उनके ऋणी हो गए हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं और वो भी अब दिल से कामना करते हैं कि सुशांत को इंसाफ जरूर मिले और जल्द मिले। दरअसल उन्होंने बताया कि जब केरल में बाढ़ आई थी तब सुशांत ने यहाँ पर चुपचाप 2.5 करोड़ का दान किया था, जिसके बारे में उन्हें अभी हाल ही में पता चला है। आपको बता दें दोस्तों कि सुशांत ने इतने बड़े अमाउंट का दान करने के बावजूद कभी खुद इसका जिक्र नहीं किया, कोई तामझाम नहीं, कोई प्रचार नहीं। वरना जब एक्टर्स इस तरह का दान करते हैं तो अपनी पीआर टीम के थ्रू इसका भरपूर प्रचार कराते हैं, पूरी पूरी पब्लिसिटी लूटते हैं, मगर सुशांत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था दोस्तों। कई लोगों को तो ये बात उनके जाने के बाद पता चली थी, क्योंकि जब सुशांत ने इतने बड़े अमाउंट का दान किया था तब उन्होंने एक बार भी कभी अपनी तरफ से इसका जिक्र नहीं किया था, ना ही अपनी पीआर टीम के थ्रू इसका प्रचार करवाया था। सुशांत अक्सर इसी तरह के दान किया करते थे मगर कभी इसे लेकर पब्लिसिटी नहीं लूटते थे। एक बार नागालैंड को भी उन्होंने 1.25 करोड़ का दान दिया था, लेकिन इसका भी कोई जिक्र नहीं किया था। तो इतने दानवीर थे हम सबके चहेते सुशांत। कभी कभी दिल बहुत रोता है दोस्तों कि इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसे हो गया, और भगवान क्यों उनके इंसाफ में इतनी देरी होने दे रहे हैं, क्यों उनके दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही है। पर शायद कहते हैं ना दोस्तों, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि सुशांत के आरोपियों को सजा जरूर मिलेगी। अगर सीबीआई ने नहीं दी तो वो भगवान उन्हें सजा जरूर देगा, फिर किसी भी रूप में दे, मगर सुशांत के दोषी, सुशांत के आरोपी कभी चैन से नहीं सो पाएंगे, चैन से नहीं जी पाएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।